ज्ञान स्टार्टिंग द्वेशाइज टू सुनाट माइनस टू अपॉन इलेवन माइनस फाइव अपॉन इलेवन माइनस नाइन अपॉन इलेवन ऑन द नंबर लाइन यानी इस क्वेश्चन में हमको फ्रैक्शंस गिवेन है और हमको इन फ्रेक्शन को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है ठीक है तो किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए उसका डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जब हम किसी भी डिनोमिनेटर को देखते हैं तो तब हमारी दो सिचुएशन बनती हैं पहली जब हमारा डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से छोटा हो और दूसरी जब हमारा डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा हो इस सिचुएशन में इसमें डिनोमिनेटर छोटा होता है उसमें हमको मिक्स हमको जो रेशनल नंबर गिवेन है उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में और इस वाले में जब हमारा डिनोमिनेटर बड़ा हो तो तब हमारे लिए इजी हो जाता है ठीक है तो अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या है तो -2/11 -5/11 एंड -9/11 यानी हमको जो जितने भी डिनोमिनेटर है तीनों नंबर्स में हमको इलेवन गिवन है यानी से बड़ा है तो यानी ये क्वेश्चन हमारे लिए हो जाएगा तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं पहले हम फ्रैक्शन uh, लिख लेंगे माइनस टू अपॉन इलेवन माइनस फाइव अपॉन इलेवन माइनस नाइन अपॉन इलेवन ओके अब हम नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है हम नेगेटिव का नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि तीनों जो हमको रेशनल नंबर गिवन है वो नेगेटिव के गिवन है तो एक इधर पॉजिटिव का वन लिख लेते हैं और इधर हम लिख लेते हैं हमारा माइनस वन ठीक है अब हम डिनोमिनेटर देखते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर कितना है हमारा डिनोमिनेटर है इलेवन यानी हमको जीरो से लेकर इलेवन तक हमको नंबर लाइन को इलेवन पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा ठीक है तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और ये हमारा इलेवन पहले से गिवन है अब हम जो नेम है हम वो नेमिंग कर लेते हैं नंबर लाइन में कैसे इलेवन हमको नीचे डिनोमिनेटर में गिवेन है तो हमारा डिनोमिनेटर इलेवन ही रहेगा इधर आ जाएगा माइनस वन अपॉन इलेवन माइनस टू अपॉन इलेवन माइनस थ्री अपॉन इलेवन माइनस फोर अपॉन इलेवन माइनस फाइव अपॉन इलेवन माइनस सिक्स अपॉन इलेवन माइनस सेवन अपॉन इलेवन माइनस एट अपॉन इलेवन माइनस नाइन अपॉन इलेवन माइनस टेन अपॉन इलेवन एंड माइनस इलेवन अपॉन इलेवन जिसको कैंसिल करने पे माइनस वन आएगा ठीक है अब हमको जो क्वेश्चन में जो हमको तीन रेशनल नंबर दिए गए थे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए अब टाइम है हम वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले हमको क्या कहना है माइनस टू अपॉन इलेवन तो माइनस टू अपॉन इलेवन देखते हैं कहाँ पर है ये हमारा माइनस टू अपॉन इलेवन तो इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं नेक्स्ट है ये रहा हमारा माइनस फाइव अपॉन इलेवन और लास्ट है माइनस नाइन अपॉन इलेवन दिस वॉज माइनस नाइन अपॉन इलेवन सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर टू क्स्ट क्वेश्चन सो दर्ड क्वेश्चन इज राइट फाइव रेशनल टू यानि हमको ऐसे रेशनल नंबर बताने हैं जो टू से स्मॉलर है ठीक है जो टू से छोटे होंगे तो चलिए हम लिख लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं हमारे एक तो हमारा हो जाएगा वन वन अपॉन टू जीरो माइनस वन अपॉन टू एंड माइनस वन वन टू थ्री फोर फाइव तो ये हमारे फाइव रेशनल नंबर अब क्वेश्चन ये उठता है कि इधर हमने माइनस टू क्यों दिया है है ना सॉरी माइनस वन अपॉन टू और इधर हमको वन अपॉन टू यानी हाफ क्यों दिया है हम तो सिंपल भी कर सकते हैं इसको आगे बढ़ा सकते थे माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर आगे भी बढ़ा सकते थे तो इसको समझने के लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ करके देखेंगे ये देखिए जीरो ऐसा मिडल इधर ले लेंगे वन टू माइनस वन माइनस टू अब हम नंबर लाइन से समझेंगे अब हमको क्या दिया है क्वेश्चन में टू से स्मॉलर यानी टू से कम रेशनल नंबर है ना टू से छोटे तो यहाँ से अब हम पीछे जाएंगे तो हमको कम मिलेंगे तो टू के बाद वन ये रहा वन अब अब क्या आएगा अब इसके बाद भी तो बीच में कुछ आना चाहिए ना तो जीरो और वन के बीच में क्या आ जाएगा हमारा वन अपॉन टू आ जाएगा कि नहीं यानी हाफ क्योंकि हाफ से पहले वन आता है तो या इसके बीच में क्या आ जाएगा हाफ फिर आ जाएगा जीरो तो जीरो हमने लिखा है फिर अब इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा माइनस वन अपॉन टू ना नेगेटिव का साइन रहेगा माइनस वन टू तो ये हमको लिख लिया अब माइनस वन आ जाएगा है ना और हमको फाइव फाइवेशनल नंबर चाहिए थे तो ये हमको इसकी जरूरत नहीं है हम ये ये जो हाफ है ये हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको जितना हो सके स्मॉल नंबर है ना स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, है ना So this was question number second and question number third of exercise one point one uh, one point two. So thank you and have a nice day.